नमस्ते, हमारा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 13 दिसंबर की बड़ी खबर, कांग्रेस में घमासान चल रहा है। एक एक करके कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिल रहे हैं दावेदार और अपने तर्क दे रहे हैं। निर्दलियों को पटाने का काम चल रहा है कि निर्दलीय सिर्फ ये ना कहें कि हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहें कि हम कांग्रेस में अमुक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। जो दूसरे छोटे दल हैं जिनके समर्थन की बात कही जा रही है, वो भी अपनी बात मुखर होकर रख रहे हैं और इस बीच तमाम दावे आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा सस्पेंस जो बना हुआ है, सबसे ज़्यादा घड़ी जो अटकी हुई है, वो है राजस्थान में, क्योंकि अशोक गहलोत ने की कैंप की तरफ से पहले ये दावा हुआ कि 101 में 70-72 विधायक हमारे साथ हैं। फिर सचिन पायलट की तरफ के खेमे की तरफ से ये खबरें दी गई कि नहीं साहब, निर्दलीय तो हमारे नाम पर आ रहे हैं। फिर एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, हमारे साथी दिखा रहे थे, अभी आपको दिखवाएंगे, हनुमान बेनीवाल किसके समर्थन पे तैयार हैं, इसको लेकर भी दावे हो रहे हैं निर्दलियों के लिए। बसपा के लिए भी कहा जा रहा है कि साहब बसपा ने, एक भाई साहब से बात हो रही थी, बोले बसपा ने ऐसा कहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाई। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सचिन पायलट राहुल गांधी से मिले आधे घंटे, मीडिया का वहाँ जमघट लगा है, इनके पक्ष में उनके पक्ष में तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। कल से एक थ्योरी ये भी घूम रही है कि शायद डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये कहने वाले कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ को, राजस्थान में अशोक गहलोत को अगर सीएम बनाते हैं तो वहाँ पर जो युवा चेहरा है उनको डेप्यूटी सीएम बना दें और ये लॉलीपॉप भी थमा दी जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद शायद नेतृत्व परिवर्तन हो सरकार के स्तर पर और तब आपकी बारी लग जाए, तब तक आप अनुभव लीजिए। ये चीज़ें कही जा रही। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल का दावा सबसे तगड़ा है, लेकिन टी एस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू, एक वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष थे पिछले कार्यकाल में टी एस सिंहदेव, और ताम्रध्वज साहू जो हैं वो सांसद हैं, ओबीसी मोर्चे के मुखिया हैं और अब विधायकी का भी चुनाव लड़के जीत चुके हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं लगातार, यहाँ पे बाइट्स दिखाई जा रही हैं टीवी पे। राहुल गांधी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का पता चल जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे तक ऐलान हो जाएगा। राजस्थान में जयपुर में जो कांग्रेस हेडक्वार्टर है, वहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों के बीच कल से ही नारेबाजी और वो सब चीज़ें जारी हैं। खूब सारा पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में होर्डिंग वोर्डिंग लग रही थी, लेकिन उतना घमासान नज़र नहीं आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग कमलनाथ के नाम पर सहमति बन गई है, पर अंततः ये सारी अटकलें ही रह जाती हैं। हमारे यहाँ भी कुछ दिग्गज हैं, धुरंधर हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। बताओ भैया, तो मध्य प्रदेश क्यों, क्या सुनाई दे रहा है? मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ का नाम सुनाई दे रहा है। कमलनाथ का नाम, क्या तर्क दिए जा रहे हैं? कुछ सयाने हैं, उनको इस बार बना देते हैं, मौका मिले ना मिले। फिर मौका मिले ना मिले, फिर 71 साल के हैं कमलनाथ, 9 बार के सांसद हैं छिंदवाड़ा के। कहा जा रहा है कि बहुत, मतलब अपने दम पे तो मेजोरिटी मिली ही नहीं, और सपा बसपा और निर्दलीय जो साथ आए हैं वो भी, उनमें ज़्यादातर दिग्विजय खेमे के हैं और दिग्विजय का वजन कमलनाथ के साथ है, ये चीज़ कही जा रही है, और इस हिसाब से कमलनाथ के पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि कमलनाथ के ही नेतृत्व में वो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, ये जीत हासिल हुई है जैसी भी जितनी भी हुई है, इसलिए उनका वजन रहेगा। कमलनाथ पुराने समय से गांधी परिवार के खास रहे हैं, लेकिन खास वाला जो फैक्टर है वो ज्योतिरादित्य पर भी लागू होता है। राजस्थान में क्या है भाई साहब? ऋषभ जी, राजस्थान में सर, मतलब कल इनकी बहुत लंबी मीटिंग चली थी एक, उसके बाद मेरी करीब 5-6 MLA से फ़ोन पे बात हुई है, तो उसमें ये बताया है कि जयपुर में जितने भी MLA की मीटिंग हुई है उसमें अशोक गहलोत के फेवर में चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे सचिन पायलट फिर अड़ गए थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। डेप्यूटी का फॉर्मूला है उस पर दोनों ने ही मानने से मना कर दिया है, मतलब अशोक गहलोत ने, क्योंकि वो दो पावर सेंटर वाली बात हो रही थी तो कि भाई एक अगर सीएम एक डेप्यूटी, तो उस पर भी फिर मामला फंस गया। फिर बात दिल्ली के लिए चली, तो वही है कि MLA तो इनके फेवर में है, ज्यादा MLA मतलब सूत्रों के मुताबिक, हाँ मुझे जो नंबर बताया है, मतलब कई MLA से बात हुई है, उन्होंने 5-6 ने जो नंबर बताया वो 68 से 73 के बीच में बताया है गहलोत के पक्ष, हाँ कोई 68 से 73 के बीच में, इधर उधर नहीं हुआ है वो आंकड़ा। फिर जो निर्दलीय हैं वो इनके नाम पर समर्थन कर रहे हैं अशोक गहलोत के पे, अब बोल रहे हैं कि भाई बसपा हनुमान, ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, ये हवा ऐसी प्रचारित की जा रही है कि निर्दलीय अशोक गहलोत के नाम पर हैं, निर्दलियों का ऐसा कुछ नहीं, वो जो सीएम बन जाएंगे उसके करीब रहना चाहेंगे। एक्चुअली निर्दलियों के जो आप नाम पढ़ेंगे तो नाम ऐसे ऐसे महादेव सिंह खंडेला हो गए, बाबूलाल नागर हो गए, ये सारे वो लोग हैं जो अशोक गहलोत के खेमे के आदमी हैं। यही चीज कई लोग कह रहे हैं उनके खिलाफ भी जा रही है कि ये अशोक गहलोत ने इन लोगों को चुनाव लड़वाया
और ये जीते और अशोक गहलोत ने पार्टी को कमजोर किया कुछ पॉकेट्स में, ये भी कहा। बाबूलाल नागर दूदू सीट से चुन के आते हैं, अशोक गहलोत की सरकार में पहले मंत्री थे, लास्ट में एक रेप का आरोप लगा उनके ऊपर, उसके बाद में मंत्री पद से हटा दिए गए और वो चुनाव के बीच में लगा था मतलब, और उससे बहुत किरकिरी हुई थी कांग्रेस की। इसके बाद में क्या हुआ कि बाबूलाल नागर अब जमानत पर रिहा हुए, उसके बाद में वो जो केस था वो लैप्स हो गया, उन पर बताया कि केस खारिज था, वो फर्जी आरोप थे। तो क्या हुआ कि वहाँ दूदू में एक रैली हुई थी, तो अशोक गहलोत ने स्टेज पे से अनाउंस कर दिया था कि बाबूलाल को टिकट मिलेगा, मैं दिल्ली से टिकट देके भेजूंगा, आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो। लेकिन जब टिकट आया तो बाबूलाल का नाम ही नहीं था लिस्ट में, बाबूलाल नागर निर्दलीय कूद गए और वहाँ से जीत गए। जीतते उन्होंने कह दिया कि मैं तो अशोक गहलोत के साथ में जाऊँगा। ऐसे ही महादेव सिंह खंडेला थे सीकर की खंडेला सीट से, वहाँ पर भी यही मामला फंसा। ऐसे ही 12 MLA करीब ऐसे हैं जो अशोक गहलोत के नाम पर समर्थन देने को राजी हैं। अब बात आई हनुमान बेनीवाल की, उनका भी स्टेटमेंट आया, तो मेरे पास एक वीडियो है, मैं दिखा देता हूँ कि सुन लेना, मतलब इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार हम ये वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो यहाँ इधर प्ले करें हैं। पास आइए माइक एक बार पास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वो अगर उनको बहुमत भी मिलता है तो वो दूसरे साथी और जो भी निर्दलीय और दूसरे दलों से हैं उनको हम सत्ता में शामिल करेंगे, क्या आप सरकार में शामिल होंगे? देखिए अशोक गहलोत का तो नाम मतलब मेरे सामने आप, ठीक है ना, उसका तो हमारा मौका लगेगा तो इलाज करेंगे उसका जितना हो सकता है, पहले भी कोशिश की आगे होगा। अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति कल तय करेंगे, हम विधायक दल की कल बैठक लेंगे हम, और तीनों विधायक हम बैठेंगे, बैठ के आगे रणनीति पे चर्चा करेंगे, जो जनहित में होगा वो काम। जी एक ये थ्योरी दी जा रही है कि हनुमान बेनीवाल तो बड़े धुर विरोधी हैं, अशोक गहलोत से उन्हें बड़ा एतराज है, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट के पक्ष में वो जा सकते हैं। इसका कारण भी है क्योंकि आप देखो कि हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी चुनाव लड़ी थी वो शेखावटी और मारवाड़ रीजन में ही मेनली फोकस होकर लड़ी थी। मारवाड़ अशोक गहलोत का खुद का इलाका है, जोधपुर से वो आते हैं, और शेखावटी में आप देखिए कि कद्दावर जाट लीडर्स परशुराम मंदेड़ा रहे हों, चाहे मिर्धा फैमिली रही हो, इन सबको किनारे करके अशोक गहलोत ने मतलब जाटों के बीच से समर्थन हासिल किया है। हनुमान बेनीवाल की जो कोशिश थी वो एक बड़ा जाट लीडर बनने की थी, उसी कार्डर का, जैसे शीशराम ओला हो, चाहे मिर्धा हो, चाहे मदेरणा हो, तो उसको एकदम ही गहलोत ने फेल कर दिया। अब 3 सीटें आई हैं तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, ना सरकार पूछने वाली ना विपक्ष पूछने वाला है, तो इसलिए इनका एकदम अशोक गहलोत के खिलाफ मुखर होना बिल्कुल तय है। अब लेकिन अब ये सचिन पायलट का समर्थन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बात उल्टा उनके विरोध में जा सकती है। टीवी पे इस तरह खबरें भी चल रही हैं कि अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से जब मुलाकात की तो नारेबाजी पर एतराज जताया कि वहाँ पे जयपुर में मीटिंग के दौरान जब पर्यवेक्षक गए थे अविनाश पांडे और वेणुगोपाल, तब जैसी नारेबाजी हुई या यहाँ पे हो रही है, तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। और ये भी चीज़ कही जा रही है कि सचिन पायलट ने न सिर्फ डेप्यूटी सीएम के लिए इनकार किया बल्कि ये भी कह दिया है कि यदि मुझे सीएम नहीं बनाया था तो मैं फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी पद छोड़ दूंगा, एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर रहूँगा। जो आप नारेबाजी की बात कर रहे थे, कल जैसे मैं जयपुर का पूरा माहौल देख रहा था यहाँ से लाइव और लोगों से ही बात की, तो एक तरीके से किलेबंदी करने की कोशिश की है, मतलब पायलट के समर्थक थे कि कोई खून से खत लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सुबह होते होते क्योंकि मैं उस राजस्थान का रहने वाला हूँ तो मेरे पास भी कल ऐसे लोगों के समर्थकों के फोन भी आए कि भाई आपके चैनल क्या कह रहा है, क्या लग रहा है आपको, तो हमने बताया कि हमारा ऐसा कोई आइडिया नहीं है, चैनल देख के थोड़ी राहुल गांधी तय करेंगे, वो विधायक और राहुल गांधी तय करेंगे। तो कुछ मतलब जो मतलब लोग जो भरतपुर के या फिर जयपुर के या करौली के जो गुजर बाहुल्य इलाके उनके रहने वाले हैं वो मेरे से बोलते हैं, मतलब कम से कम 5 लड़के तो ऐसे थे, भाई साहब कल दिल्ली आ रहे हैं, तो मैंने पूछा दिल्ली क्यों आ रहे हो आप अचानक से, आप तो जयपुर में रहते हो भरतपुर में, तो बोले नहीं नहीं आपसे मिलने आ रहे हैं, मेरे से मिलने में ऐसा क्या है। अब मुझे सुबह पता चला कि पायलट समर्थकों की नारेबाजी ये वो, तो मैं समझ गया चीजें कैसे प्रदर्शन चल रहा है, शक्ति प्रदर्शन चल रहा है दोनों तरफ से, शक्ति प्रदर्शन मतलब एक आज के अखबार में भास्कर में एक फोटो भी है, शायद मैं दिखाऊं आपको कि इधर गहलोत के समर्थक खड़े हुए हैं और इधर पायलट के, और बीच में पुलिस खड़ी हुई है। हाँ ये फोटो मैंने भी देखी। चलिए समर्थक अपना जोर लगा रहे हैं, विधायकों ने बता दिया, लेकिन विधायकों के बताए के ऊपर भी आला कमान का बताया होता है क्या कांग्रेस क्या भाजपा, सब जगह ऊपर से ही चीज़ें आखिरी में तय होती हैं। राय शुमारी तो इसलिए की जाती ताकि सबको ये लगे कि सुन लिया गया है। 1998 में भी ऐसा हुआ था कि जब विधायक आ रहे थे अपनी पसंद बता रहे थे, फिर उनको बताया जा रहा था कि लेकिन मैडम ये चाहती हैं, और मैडम क्या चाहती थी, तब मैडम अशोक गहलोत को चाहती थी। अच्छा दिखाइए साहब, ये देखिए दोनों तरफ समर्थक और बीच में पुलिस है, ये दैनिक भास्कर की तस्वीर है जी। अब देखिए क्या निकलता है फैसला। 4 बजे की बता रहे हैं, 4 बजे ऐलान हो जाएगा, तब तक अटकलें जारी रहेंगी। हमें लगा कि अब तक जो अटकलें चल रही हैं उनके बारे में आपको बता दिया जाए। आप देख रहे हैं dlalantop.com, शुक्रिया।